माय नेम इज नमन, वेलकम बैक टू techplusgadgets.com। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एप्पल के एक और नए लेटेस्ट प्रोडक्ट के बारे में जो अभी कुछ घंटे पहले ही रिलीज हुआ है। उस प्रोडक्ट का नाम है एप्पल आईपैड मिनी। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आईपैड मिनी तो 2014 में ही आ चुका है, लेकिन जो ये आईपैड मिनी है वो जो है अपडेटेड वर्जन है 2014 आईपैड मिनी का। तो एप्पल ने जो है 3.5 साल बाद इस आईपैड को अपने अपग्रेडेड वर्जन में रिलीज किया है और वो मार्केट में कुछ दिनों में मिलने वाला है, वो इंडिया में भी बहुत जल्दी अवेलेबल हो जाएगा। तो इस वीडियो को आप पूरा देखते रहिए क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि ऐसा क्या खास किया है उन्होंने, ऐसे क्या खास चीज़ें उसमें डाली हैं जिसके कारण इसको उनको 3.5 साल बाद फिर से रिलीज करना पड़ा। तो इस वीडियो को आप पूरा देखते रहिए और मुझे सपोर्ट करिए, नीचे एक सब्सक्राइब का बटन होगा उसको प्रेस करके, ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं आप तक लाता रहूँ और आपको मैं थोड़ा थोड़ा ज्ञान देता रहूँ। तो मेजर अपडेट जो एप्पल आईपैड मिनी में आया है वो ये है कि इसमें अब आपको एप्पल पेंसिल का सपोर्ट मिल जाएगा। तो अब आप जो है एप्पल पेंसिल जो है वो इसमें आप उसको यूज़ कर सकते हो, लेकिन आपको जो एप्पल पेंसिल है वो आईपैड के साथ नहीं आएगी, वो उसको आपको अलग से ही खरीदना पड़ेगा, लेकिन जो उसका सपोर्ट है वो आपको मिल जाएगा। पहले क्या होता था कि जो आईपैड थे, जो पुराने आईपैड होते थे जो 2014 में रिलीज हुआ था, उसमें पेंसिल का सपोर्ट नहीं था, पेंसिल उसमें अच्छे से नहीं चल थी, अच्छे से क्या बिल्कुल ही नहीं चल पाती थी, लेकिन जो अब रिलीज हुआ है उसमें आप पेंसिल का यूज कर सकते हैं अच्छे से। और अगर मैं इसके डिजाइन की बात कर लूं तो जो डिजाइन है वो सिमिलर, बिल्कुल सिमिलर है, सेम डिट्टो आपको दिखने वाला है 2014 के मॉडल के साथ। वही आपको टॉप और बॉटम में इतने बड़े बड़े बेजल्स वगैरह मिल जाएंगे, लेकिन इसमें एक बहुत ज्यादा उन्होंने जो चेंज किया है वो किया स्क्रीन के अंदर। स्क्रीन जो है वो आपको लेटेस्ट जो अभी नई टेक्नोलॉजी चल रही है उसके ऊपर मिलने वाला है। स्क्रीन में बहुत सारे कलर उन्होंने एड ऑन किए हैं, ब्लैक कलर जो है उन्होंने डीप करने की बहुत ज्यादा कोशिश की है इसमें, और जो उसका ब्लैक कलर है वो बहुत ज्यादा डार्क इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। एप्पल का जो टू टोन जो टेक्नोलॉजी है उसमें ऑटोमेटिकली जो कलर शिफ्टिंग है वो टेक्नोलॉजी आपको इसमें मिल जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट, अकॉर्डिंग टू वेदर, उस हिसाब से वो कलर जो है वो अपने आप चेंज हो जाएगा। तो ये एक नया अपग्रेड जो है डिस्प्ले में आया है आईपैड मिनी के। और अगर मैं बात कर लेता हूँ इसके प्रोसेसर की, तो इसमें आपको जो है वो A12 का बायोनिक प्रोसेसर मिलने वाला है। 2014 का जो आईपैड मिनी था उसमें A8 का प्रोसेसर डाला हुआ था, तो A8 और A12 में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। A12 भी लेटेस्ट उनका प्रोसेसर नहीं है, वो पिछले साल ही आया था, लेकिन A8 से बहुत ज़्यादा अच्छा और अपग्रेडेड वर्जन आपको मिल जाएगा प्रोसेसर में। मैं अगर कैमरे की बात करता हूँ तो कैमरा जो है, जो रियर कैमरा है वो सिमिलर है, सेम सेंसर वेंसर के साथ आपको मिल जाएगा जो 2014 का मॉडल था, लेकिन इसका जो फ्रंट कैमरा है उन्होंने अपडेट किया है, आपको 7 मेगापिक्सल का इसमें कैमरा मिल जाएगा, 1.2 का जो इसमें आपको एपरेचर मिल जाएगा। जो सेल्फी कैमरा है उसमें बहुत ज़्यादा अपडेट किया है, क्योंकि जो उनका पुराना वाला था उसका सेल्फी कैमरा इतना अच्छा नहीं था, क्योंकि अब सेल्फीज जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है, तो आप उसमें वीडियो कॉलिंग और सेल्फीज वगैरह जो है वो बहुत अच्छे से ले पाएंगे। लेकिन इसमें आपको एप्पल का जो फेस आईडी की टेक्नोलॉजी है वो आपको इसमें नहीं मिलेगी, जो आपने आईफोन 10 और 10R में देखी है, उनके जो लेटेस्ट फोन से उसमें देखी है, वो फेस आईडी का सपोर्ट आपको इसमें नहीं मिलेगा। इसमें जो है नॉर्मल सा ही एक फ्रंट कैमरा दिया है, लेकिन जो फ्रंट कैमरा है वो बहुत ज़्यादा अपडेट कर दिया उन्होंने, 7 मेगापिक्सल का आपको इसमें फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाएगा। तो इसका जो मेन अपडेट है वो प्रोसेसर है, कैमरा है, डिस्प्ले है, और उसके साथ साथ एप्पल पेंसिल का सपोर्ट है। तो जो उनका मेन हाईलाइट था वो एप्पल पेंसिल का सपोर्ट ही है। और सबसे अच्छी बात ये है कि जो इसका जो स्टोरेज है वो 64GB के साथ आपको मिलेगा। इंडिया में भी ये बहुत जल्दी आपको स्टोर में और ऑनलाइन आपको मिल जाएगा। अगर मैं अवेलेबल कलर्स की बात करूं तो आपको वही कलर्स मिलेंगे जो आईपैड मिनी 14 में मिले थे, सिल्वर, ग्रे और पिंकिश गोल्ड जो आया था वही कलर आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं प्राइस की, क्योंकि भाई जो आईपैड मिनी है उसका प्राइस जो है वो 30,000 से 35,000 रुपए तक आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, कभी कभी जब सेल चलती है तो उससे भी कम में आपको मिल जाता है। तो इसका जो प्राइस है वो क्या है, खास बात जो है वो ये है कि उसका प्राइस उन लोगों ने वही रखा है, $399 जो है वो उनका प्राइस रखा हुआ है। तो इंडिया में अगर इसको कन्वर्ट करते हैं इंडियन रुपीज में तो 29,000-30,000 रुपीज तक का होगा, और ज्यादा से ज्यादा 30,000 से 35,000 रुपए तक में मिल जाएगा जो आईपैड
मिनी अभी जो मिल रहा है 2014 मॉडल उसी प्राइस में आपको अपडेटेड जो है वो आईपैड मिनी जो लेटेस्ट वर्जन है वो मिलने वाला है। तो जितने भी लोग आईपैड मिनी लेने का सोच रहे थे तो अभी थोड़ी देर वेट कर लीजिए, होल्ड कर लीजिए, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा अपडेटेड वाला आईपैड मिनी खरीदने को मिल जाएगा, तो आप मिस कर देंगे अगर आप अभी खरीद लेंगे तो। तो ये भाई अभी कुछ घंटे पहले ही ये आईपैड रिलीज हुआ था, तो मैंने सोचा फटाफट वीडियो बना लेता हूँ और आप लोगों को इन्फॉर्म कर देता हूँ, ताकि आप लोग जो कई लोग हैं जो आईपैड मिनी खरीदने का सोच रहे हैं तो वो लोग आईपैड मिनी ना खरीद के लेटेस्ट वाला है जो कुछ दिनों बाद रिलीज होने वाला है वो खरीदे। तो गाइज इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं आप तक लाता रहूंगा, और मेरी वीडियो देखने के लिए आपको सब्सक्राइब करना है, और ये जो सब्सक्रिप्शन है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसमें आपको पैसे नहीं देने, बस एक बटन दबाना है। आप बटन दबाएंगे तो मैं मोटिवेट होऊंगा फ्री में, तो मोटिवेट होऊंगा तो अच्छे अच्छे वीडियोस लेकर आऊंगा आप तक, तो आपको बस सब्सक्राइब करना है ऐसी वीडियो देखने के लिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड पीस।